हेलो हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डैशिंग गोल्डन डायरीज। जी हाँ, डैशिंग गोल्डन डायरीज में मैं सभी लोगों का इस्तकबाल करता हूँ। और आज का जो दिन है, आज का जो अध्याय है, वो एक विशेष अध्याय है, क्योंकि आज ही के दिन यानी कि 7 मार्च 2021 को हमें 69 सब्सक्राइबर्स मिल रहे हैं। तो इस यूट्यूब चैनल को आज ही की डेट में 69 सब्सक्राइबर मिले हैं, और ये सब आप लोगों का प्यार, आप लोगों के ज़रिए जो मोहब्बतें मिली हैं ईश्वर की तरफ से, उन मोहब्बतों का अंजाम है ये 69 सब्सक्राइबर्स। और 69 सब्सक्राइबर्स का एक ख़ास लगाव है मेरे साथ और इस YouTube चैनल के साथ और इस देश के सिनेमा के साथ। पूछिए क्यों? क्योंकि 69 इज़ दैट ईयर That creates history in Indian cinema, 1969। जी हाँ, क्योंकि 1969 के आखिर में हमें हमारे देश के पहले सुपरस्टार मिले थे, जिनका नाम है राजेश खन्ना। और दरअसल इस YouTube चैनल का जो अस्तित्व है, जिसके ऊपर नींव डलाई गई थी, जिसके ऊपर एक नींव डली है और उस नींव के ऊपर बड़ी बड़ी इमारतें आने वाली हैं, तो वो नींव जो है दरअसल राजेश खन्ना जी के साथ जुड़ी हुई है, क्योंकि राजेश खन्ना इज़ आवर फर्स्ट सुपरस्टार। सो 1969, दैट 69, दैट नंबर इज़ सो इम्पॉर्टेंट फॉर मी, फॉर एवरीबडी। सो इसलिए इस चैनल के साथ एक ख़ास संबंध है उसका। और मैं क्यों ना कहूँ कि पूरे देशवासियों के लिए भी, क्योंकि खाली इस चैनल के लिए नहीं है, मेरे लिए नहीं है, और भी तमाम लोग, ये जो 69 लोग देख रहे हैं, और इसके अलावा तमाम जो हज़ारों लाखों करोड़ों लोग इस देश के हैं, पृथ्वी के हैं, दुनिया की तारीख में जितने सारे लोग हैं, सभी राजेश खन्ना साहब को जानते हैं। और उनके लिए भी ये, उनकी जानकारी के लिए भी एक बहुत बड़ी बात है कि 1969 इज़ दैट ईयर वेयर वी प्रोड्यूस्ड आवर फर्स्ट सुपरस्टार, और 1969 इज़ दैट ईयर जिस साल भारतीय सिनेमा को एक खास 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 वृद्धि मिली थी पैसों में, क्योंकि कमर्शियली सक्सेसफुल बन गई थी आराधना फिल्म। और उससे पहले भी काफ़ी चीज़ें थी, आर्टिस्टिकली तो हमारी फिल्में बेहतर थीं, बेहतर हैं और बेहतर रहेंगी आज की डेट में भी, लेकिन 1969 के बाद हमारे देश के सिनेमा को आर्थिक बढ़ावा मिला था, आर्थिक प्रगति मिली थी, कमर्शियल सक्सेस जिसको बोलते हैं बॉक्स ऑफिस में। और उसके बाद ही हमारी फिल्मों को विदेशों में काफ़ी देखा गया और लोगों ने बहुत बेहद पसंद किया, और फर्स्ट सुपरस्टार ऑफ इंडियन सिनेमा यानी कि बॉलीवुड मिला। तो जो कि ये खिताब हॉलीवुड में था, लेकिन हमारे देश में ये प्रथा नहीं प्रचलित थी। और 1969 में राजेश खन्ना की वजह से, शक्ति सामंता की वजह से, हमारे देश को हमारा पहला सुपरस्टार मिला। तो इसलिए 69 नंबर्स के साथ मेरा ख़ास लगाव है, और इस YouTube चैनल का भी। और इसी तरह से मैं उम्मीद करूंगा कि आप अपना प्यार बरसाते रहिए इस YouTube चैनल के ऊपर, मेरे ऊपर और सबके ऊपर। जनता जनार्दन का आशीर्वाद है तो सब कुछ संभव है, वैसे ही जैसे 69 में हमारे देश में पहले सुपरस्टार राजेश खन्ना के लिए संभव हो गया था, सब कुछ संभव हो गया था। एंड रेस्ट इज ऑल अबाउट हिस्ट्री। सो डैशिंग गोल्डन डायरीज इज ऑल अबाउट हिस्ट्री, एंड टिल देन गुड बाय फ्रॉम माई सेल्फ। एंड इसी तरह से जुड़े रहिए, आज के लिए इतना ही, बाकी के एपिसोड्स आते रहेंगे आपके लिए, देखते रहिए, जुड़े रहिए। आज के लिए इतना ही, खुदा हाफिज़।